हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे ही होंगे, इस कोरोना काल में स्वस्थ रहें, सजग रहें और मस्त रहें और सीखते रहें अंग्रेजी मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल पे। पिछला वीडियो उम्मीद करता हूं आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, और अगर देखा था तो चीज़ों को फॉलो भी किया होगा जो मैंने बताई थी, क्योंकि मैंने कहा था कि केवल सुनने मात्र से हम बोलना नहीं सीख सकते। जिस तरह से कि हम साइकिल चलाना सीखें और हवाई जहाज उड़ाना हमको आ जाए वो संभव नहीं है, हम साइकिल चलाना सीखते हैं। अगर हम देखिए, अगर हम बाइक्स की बात करें, आप मोटर बाइक चलाते होंगे अगर, तो आपने देखा होगा कि कुछ बाइक्स में गियर अप हम टो से करते हैं, कुछ एक में हम एंकल से करते हैं। गियर डालने गियर निकालने के अलग अलग प्रोसीजर्स हैं। और अगर मैं शुरू से हीरो होंडा की कोई बाइक चला रहा हूँ तो उसमें गियर सिस्टम अलग है, जबकि अगर मैं यामाहा की बाइक चलाता हूँ, अपाचे चलाता हूँ, तो उनमें गियर सिस्टम उससे डिफरेंट हो सकता है। बहुत देशी भाषा में हम लोग ये बात करते हैं, इसके गियर आगे पढ़ते हैं कि पीछे पढ़ते हैं। ये आगे पढ़ना या पीछे पढ़ना यहाँ ये सिखाने का मेरा मकसद नहीं है, लेकिन आपको एक बात रियलाइज़ कराने का मेरा मकसद है कि हम जिस आदत में होते हैं, अगर मैं शुरू से हीरो होंडा चला रहा हूँ और मेरे को वो स्पेसिफिक गियर्स यूज़ करने का एक आदत है मेरे पाँव के पंजे को, और अचानक मैं हीरो होंडा के अलावा कोई बाइक जिसमें सिस्टम कुछ डिफरेंट है वो जब चलाने की कोशिश करता हूँ तो मुझे थोड़ा अटपटा लगता है, और कई बार तो मुझसे गियर अप और गियर डाउन करने में कुछ गलतियाँ होती हैं। रीज़न ये है कि मुझे बताया गया था कि गियर इसमें ऐसे से डलेंगे, लेकिन मेरे पाँव को आदत नहीं है वैसा गियर डालने की, इसलिए बहुत बार मैं गियर अप और डाउन करने में कहीं ना कहीं गलतियाँ कर रहा था। मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे शारीरिक अंगों को कुछ कामों को करने की यदि आदत हो जाए तो हमको वहाँ बहुत ज़्यादा दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं होती, ये ऑटोमेटिकली काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक उसी तरह हमारी ज़ुबान भी हमारे शरीर का एक उसी तरह अंग है। इसको चूंकि हमने आज तक इंग्लिश के शब्दों को बोलने की आदत नहीं डाली है, इसलिए ये इंग्लिश बोलते वक्त उतना कम्फर्टेबल नहीं होती जितना हिंदी बोलते वक्त होती है। बस इतना सा फ़र्क है हिंदी और इंग्लिश में। वरना तो आज मैं एक बात आपको बता दूँ, आप सुबह से लेकर शाम तक ऐसे बहुत सारे इंग्लिश के शब्दों को बेहिचक बेरोक टोक पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एक फ्लो में बोल जाते हैं, क्योंकि कभी आपने महसूस ही नहीं किया कि वो इंग्लिश के थे। इसलिए आप पर वो इंग्लिश का सो कॉल्ड फोबिया, वो खौफ काम नहीं करता और आपको लगता है कि मैंने तो हिंदी तो बोली है, लेकिन इनफैक्ट आप इंग्लिश बोल गए होते हैं। लेकिन जब आप इंग्लिश को सोच कर बोलते हैं कि मैं इंग्लिश बोलने जा रहा हूँ, यहाँ पर मुझे इंग्लिश में एक बात करनी है, वो मुझसे आकर इंग्लिश में बात करेंगे, मैं कैसे उत्तर दूंगा, इस सब का एक खौफ आप पर मेंटेन होने लगता है, और वो प्रेशर आपको इंग्लिश बोलने से रोकता है, थामता है। बस उस प्रेशर से लड़ना है, और उसे लड़ा जा सकता है केवल बोलकर और इतना तेज बोलकर कि आपको अपनी आवाज़ सुनाई दे। आपने किसी को बोला हे गुड मॉर्निंग, ये गुड मॉर्निंग जो बोला, सामने वाले ने पूछा क्या, आपने कहा नहीं कुछ नहीं, शर्मा गए आप, नहीं आप इतना तेज बोलिए कि आपको सुनाई दे और उसको भी सुनाई दे। आप जब खुद सुनेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपके प्रोनाउंसिएशंस कैसे थे, आपका उच्चारण, आपके द्वारा आपके बोले गए वो शब्द, जब आपका कान के थ्रू आपके मन में जाता है तो आपका मन आपको ये बताता है कि इसमें कितनी कसर बाकी है, कितनी कमी बाकी है, मुझे कितना और करना है। और अगर आपको लगता है कि नहीं ये तो बहुत अच्छा था, इतना अच्छा तो मैंने कभी प्रोनाउंस किया ही नहीं ये शब्द, इतना अच्छा तो मैंने कभी बोला ही नहीं, तो आपको उससे आत्मबल मिलता है, कॉन्फिडेंस मिलता है। ये कॉन्फिडेंस किसी दुकान पर नहीं मिलता, ये आपको खुद जनरेट करना होता है। आप याद करें अपने बचपन को, जब आप क्रिकेट खेला करते थे और आप आउट हो जाते थे तो आप उम्मीद करते थे कि मुझे एक चांस मिल जाए, उसके लिए आप उस बॉल को नो बॉल तक साबित करने के लिए उतारू हो जाते थे। आप चाहते थे कि मुझे एक बार चांस मिल जाए, क्योंकि आप आगे के लिए उद्देशित होते थे कि मैं अगली बॉल पे 6 या 4 मारूंगा। ठीक उसी तरह अगर आज कोई सेंटेंस आपसे उतना प्रॉपर नहीं बोलता जितना प्रॉपर आप बोलना चाहते थे तो क्या हुआ, नेक्स्ट टाइम बोलेंगे। तो मैं फिर से लौट के आता हूँ, बोलना ज़रूरी है। चलिए, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि जब भी आप कोई काम कर रहे हैं और उसके लिए आपसे कोई पूछे कि क्या कर रहे हैं और आपको बताना ज़रूरी हो, तो उस वक्त आप फ़ोन पर हैं या पर्सनली किसी से बात कर रहे हैं, उस शब्द को इंग्लिश में बोलने की कोशिश करें। मैंने उसका प्रोसेस बताया था, आप उस काम को चूंकि कर रहे हैं तो आई और एम, और हर काम को एक नाम दिया गया है। मैं अगर
बाथरूम में जाकर एक मग्गा पानी लेता हूँ, अपने ऊपर डालता हूँ, फिर साबुन लगाता हूँ। इन सब प्रोसेस को मैं अलग बताऊँ तो आप मुझसे कहेंगे नहीं सर, इसे तो नहाना कहते हैं। तो आपने देखा कि उन तमाम छोटी छोटी एक्टिविटीज़ को मिलाकर एक बड़ा काम नहाना, उसको हमने एक नाम दे दिया हिंदी में नहाना, स्नान करना, और इंग्लिश में कहते हैं बाथ। अब ये बाथ को क्या किया जाता है, लिया जाता है, स्नान लिया जाता है, उसे लेने के लिए टेक, और हमने बोला आई एम टेकिंग बाथ। तो लास्ट टाइम कुछ एक्शंस हमने इस तरह से किए थे रोज़मर्रा की ज़िंदगी के, आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर, आई एम मॉपिंग द फ्लोर, आई एम मॉपिंग द फ्लोर मतलब मैं पोंछा लगा रहा हूँ, आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर मैं अखबार पढ़ रहा हूँ, आई एम टेकिंग बाथ मैं नहा रहा हूँ, आई एम राइडिंग द बाइक मैं बाइक चला रहा हूँ, अलावा इसके आई एम प्लांटिंग, आई एम मिल्किंग द काउ, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई एम गोइंग टू बाली, इस तरह के आई एम ऑपरेटिंग कंप्यूटर। अब ये कुछ मैंने बताए थे, इससे ज़्यादा आपको मालूम होंगे, आप बता सकते थे। अभी इस वक्त जब आप मुझे सुन रहे हैं, अगर वाकई में आपने मेरा कोर्स शुरू कर दिया है और वाकई में यदि आप इंग्लिश बोलने की तमन्ना रखते हैं, तो मैं आप पर ये भरोसा कर रहा हूँ कि इस वक्त आप जो भी कर रहे हैं उसको एक बार बोलेंगे, ज़ोर से बोलेंगे। हाँ ये बात भी ठीक है, मुझे सुनाई नहीं देगा, आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताएंगे। नंबर वन, नंबर टू, शायद आवाज़ आई होगी, आई एम लिसनिंग, आई एम लिसनिंग मैं सुन रहा हूँ। आप बोल सकते हैं, मुझे डायरेक्ट जवाब दे सकते हैं, आई एम लिसनिंग टू यू मैं आपको सुन रहा हूँ। आप बोल सकते हैं आई एम लिसनिंग टू बाली मैं बाली को सुन रहा हूँ। मैं सीख रहा हूँ, आई एम लर्निंग क्या इंग्लिश, आई एम लर्निंग इंग्लिश, ये भी आप बोल सकते हैं। आप मुझे बता सकते हैं भाई आप बैठ कर तो सुन रहे होंगे मुझे, तो आप बता दीजिए आई एम जस्ट सिटिंग, आई एम जस्ट सिटिंग, ये जस्ट आगे चल के बताएंगे बोलचाल की भाषा में, सर बस बैठा हूँ और कुछ ज़्यादा नहीं, मतलब बस बैठा हूँ, आई एम जस्ट सिटिंग। हो सकता है आप इस समय लंच ले रहे हो, तो आप कह सकते हैं आई एम टेकिंग लंच। नाश्ता कर रहे हैं तो आई एम टेकिंग ब्रेकफास्ट। चाय पी रहे हैं तो आई एम टेकिंग टी। लेकिन प्लीज़ एक बार मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इसको जहाँ भी आप मुझे सुन रहे हैं उस वक्त एक बार ज़ोर से अपना सेंटेंस बोलिए पूरे फ्लो के साथ, जैसे आप मुझे बता रहे हैं इस समय हम लोग बातें कर रहे हैं। और इसे बताने के बाद आप रोक दीजिए वीडियो को, नीचे कमेंट बॉक्स में आइए, वहाँ एक बार टाइप कीजिए अपना सेंटेंस, मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मुझे आगे आपके लिए अच्छे और कामयाब वीडियोस बनाने के लिए एक कारण मिलेगा। तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट बॉक्स में आकर अपना कमेंट छोड़ें क्या आप कर रहे हैं, लाइक आई एम, और वो जो भी काम कर रहे हैं उसमें आई एन जी लगा कर सेंटेंस छोड़ दीजिए। ये सुबह जागने के बाद से लेके ये नहाना वगैरह वगैरह तमाम, अगर मैं कुछ और भी शब्द आपको दूँ, उसमें एक शब्द हो सकता है कपड़े धोना, वॉश क्लॉथ्स, डब्ल्यू ए एस एच वॉश क्लॉथ्स। अब आपको ये बोलना हो कि मैं धो रहा हूँ, तो केवल वॉश से काम नहीं चलेगा, चूँकि वो काम आप कर रहे हैं तो वॉश में आई एन जी भी लगाना पड़ेगा और वो हो जाएगा आई एम वॉशिंग द क्लॉथ्स। ठीक उसी तरह आप धुल तो गए, धोने के बाद सुखाने भी तो पड़ेंगे, इस सुखाने के लिए क्या वर्ड आएगा। देखिए इंग्लिश में भी अब जब आप आगे बढ़ेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो बहुत सारी बातें हैं, अभी तो बहुत बेसिक चल रहा है, मैं बहुत बेसिक पर इस पर जाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि उन लोगों को, मैंने कहा था कि वो लोग जो कि ये भी नहीं जानते कि पीने को, खाने को, आने को, जाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैं उन लोगों को बेस करके ये बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर कपड़े सुखाने की बात आए, तो सूखना, सुखाना, ये सूखा होना, एक वर्ड बड़ा सुना होगा आपने, ड्राई, उसी से बना है ड्रायर, जो सुखा दे वो ड्रायर, ड्राई सूखना। लेकिन यहाँ पर एक्चुअली वो वर्ड ना यूज़ करके आप यूज़ करेंगे एयर, ए आई आर। बड़ी अजीब सी बात दिख रही होगी आपको, ये अजीब सी बात आपको पिछले वीडियो में भी दिखी होगी जब मैंने आई एम मिल्किंग, मिल्क माने दूध होता है, लेकिन मिल्क माने दूध निकालना भी होता है, इसीलिए मिल्क में आई एन जी लगा दिया था और वो गया था मिल्किंग। ठीक उसी तरह से आज इस एयर में आई एन जी लगा देंगे और कह देंगे आई एम एयरिंग द क्लॉथ्स, मतलब मैं कपड़े सुखा रहा हूँ। एक्चुअली आप गौर करें ना, आप कपड़े सुखाते कहाँ हैं, कपड़े तो स्वयं सूखते हैं, आप तो कपड़ों को सूखने के लिए हवा में डाल देते हैं, और हवा में डाल देने को एयर करना कहते हैं। एयर माने हवा होती है, बिल्कुल ठीक बात है, एयर माने हवा में डाल देना भी होता है, और आप कितना ही तो करते हैं, बस केवल कपड़ों को हवा में डाल देते हैं, तो आप कपड़े सुखा नहीं रहे हैं, एक्चुअली आप
कपड़ों को हवा में डाल रहे हैं, तो वहां पर आपको यूज करना होता है आई एम एयरिंग द क्लॉथ्स. एयरिंग, नोट इट डाउन, एयरिंग, ए आई आर आई एन जी. अगर हम देखें टेक्निकली तो ये वर्ड ब्रॉडकास्ट के वक्त भी यूज होता है. अक्सर कुछ लोग ऐसा पूछते हैं कि आज ये वाला प्रोग्राम एयर होगा. एयर होगा मतलब वो लोग वहाँ से उसको टेलीकास्ट करते हैं या ब्रॉडकास्ट करते हैं, मतलब वहाँ से उसको रिलीज करते हैं और वो एयर में आ जाता है. उसके बाद हमारे जो रेडियो सिस्टम है या टीवी है, ये यहाँ इसे कलेक्ट करता है और हमें हमारे सहूलियत डेटाज के अनुसार हमें दिखा देता है. तो वो लोग उसको रिलीज करने, मतलब उसको एयर कर देते हैं. ये एयर वर्ड हुआ. कपड़े सुखा देना. इसके अलावा ये खेलना, अरे यार मैं चाय पी रहा हूँ. अब पीना सीखा था हमने ड्रिंक, खाना सीखा था हमने ईट, लेकिन इनके लिए कॉमन वर्ड है टेक. ले रहा हूँ चाय, ले रहा हूँ. इवन यहाँ तक आप देखें तो चाय ले रहा हूँ, आई एम टेकिंग टी, बहुत बार व्यक्ति बहुत जॉली मूड में होता है, बहुत खुश होता है और वो कहता है आई एम एन्जॉइंग टी. आई एम एन्जॉइंग टी मतलब मैं चाय का लुत्फ ले रहा हूँ. मैं चाय, अब चाय का ये एन्जॉय वर्ड बड़ा प्यारा है. आनंद तो आप खाना खाने में भी आनंदित हो सकते हैं, आप खेलने में आनंदित हो सकते हैं, आप किसी की बातों को, आप किसी मूवी को एन्जॉय कर रहे हो सकते हैं. मूवी देख रहा हूँ, आई एम वॉचिंग मूवी. वॉच, डब्ल्यू ए टी सी एच, वॉच, वॉच माने देखना. और बहुत सिंपल सेंटेंस है, मैं मूवी देख रहा हूँ, आई एम वॉचिंग मूवी. लेकिन अगर आपने इसको बहुत ही अंदाज में कि मैं न सिर्फ मूवी देख रहा हूँ बल्कि मैं मूवी का आनंद ले रहा हूँ, तो आई एम एन्जॉइंग दिस मूवी. आई एम एन्जॉय क्योंकि मूवी देख रहे हैं आप, ना जाने आपको ज़बरदस्ती दिखाई जा रही है, बैठिए मूवी देखिए और आप देख रहे हैं. लेकिन ना, आपने जब कहा आई एम एन्जॉइंग मूवी, मतलब नॉट ओनली यू आर वॉचिंग, यू आर हैविंग फन ऑल्सो. ना सिर्फ आप उसे देख रहे हैं बल्कि पूरा आनंद उसका ले रहे हैं. खैर ये एक तरीका हो सकता है, मैंने बताया आपको. आगे जिस तरह हम बढ़ते जाएंगे और अगर अच्छा आप रिस्पॉन्ड करेंगे, कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करेंगे. कल लास्ट वाला जो वीडियो था उसमें आपने देखा होगा कि कुछ समय के लिए कमेंट बॉक्स काम नहीं कर रहा था, लेकिन अभी ये कर रहा है. तो आप प्लीज़ उसमें रिस्पॉन्ड करें ताकि मैं आपके कमेंट्स के अनुसार अपने नेक्स्ट क्लासेस को डिसाइड करके और आपको दे पाऊँ. चलिए, तो आई एम डूइंग दिस, ये हमारा लास्ट वीडियो हो चुका था. आज मैं इसमें थोड़ा सा कुछ आगे बढ़ना चाहता हूँ और वो कि जब हम ये बात करें कि आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि आपके साथ आपके भाई भी तो होंगे, मम्मी पापा, आपके दोस्त, और आपको दिख रहा होता है कि वो क्या कर रहे हैं, जबकि वो सिर्फ नहीं बता रहे हैं या कुछ और गलत बता रहे हैं. वो कह रहे हैं कि नहीं मैं पढ़ रहा हूँ. ऐसा एक छोटा भाई है आपका, आपने कहा पढ़ने बैठ जाओ, उसने कहा मैं पढ़ रहा हूँ. आपने देखा वो पढ़ नहीं रहा, एक्चुअली वो गेम खेल रहा है. तो आप क्या कहेंगे हिंदी में उससे? नहीं, आप खेल रहे हो, आप खेल रहे हो. ऐसा आपने उसको बताया तो आप उसे बताते हैं, ए यू आर प्लेइंग, यू आर प्लेइंग. अभी उसने कोई गलती कर दी है, मान लीजिए गलती कर रहा है, उसने कुछ गलत कर दिया है, तो आप उसे ऐसा भी बोलते हैं, यू आर कमिटिंग मिस्टेक, यू आर कमिटिंग मिस्टेक. कमिट, कमिट, कमिटमेंट एक वर्ड होता है, करना कुछ चीज़ों के लिए कमिट वर्ड आता है. आपने सुसाइड, आत्महत्या के लिए इंग्लिश में बोलते हैं सुसाइड. उस सुसाइड के भी लिए जो एक करने के लिए जो वर्ड आता है वो आता है कमिट करना. तो गलती कर रहे हैं आप, यू आर कमिटिंग. चलिए अगर ये मुश्किल लगता है आप मेक लगा लीजिए, यू आर मेकिंग मिस्टेक्स. यू आर, आप गलतियां कर रहे हैं, यू आर मेकिंग मिस्टेक्स. आप सो रहे हैं, यू आर स्लीपिंग, यू आर स्लीपिंग. इस तरह से आपने वो सारे शब्द जो अपने लिए बोले थे कि आई एम डूइंग दिस, अब आप सामने वाले को बता देंगे तो वहाँ आई एम की जगह हो जाएगा यू आर. आप जिससे बात कर रहे हैं और उसी के लिए जब उसको बता रहे हैं तो कहेंगे यू आर. और आगे जो काम कर रहे हैं उसमें पहले की तरह आई एन जी लगा देंगे, क्योंकि काम तो अभी भी चल ही रहा है ना. ठीक है, आपके द्वारा नहीं, आपके द्वारा हो तो अपने लिए आप कहते तो कहते आई एम, लेकिन अब आप सामने वाले से उसी के लिए कह रहे हैं तो कहेंगे यू आर. लेकिन जब आप सामने वाले से सामने वाले के लिए ना कह के किसी और के लिए कहते हैं, आप अपने छोटे भाई से कह रहे हैं, वो पूछ रहा है मम्मी कहाँ है, आपने कहा खाना बना रही हैं. कौन बना रही है खाना? मम्मी. तो जो खाना बनाएंगी तो उन्हीं को तो क्रेडिट मिलेगा. आप खाना बनाएं वो और आप अपना कह दें कि मैं बना रहा हूँ खाना, ऐसा तो नहीं हो सकता ना. तो आप मम्मा को लेकर आएंगे पहले और कहेंगे मम्मा. आप मम्मा नहीं कहते, आप माँ कहते तो माँ कह दीजिए, माँ, मम्मी, जो भी वो पहले वर्ड आएगा माँ.
और उनके साथ ना एम लगेगा ना आर लगेगा, उनके साथ लगेगा इज, माँ इज। और एक्चुअली ये लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, इसको जो बनाना होता है ना, इसमें बहुत सारे काम होते हैं। इसमें काटना, छोंकना, गूंथना, धोना, हाँ, पकाना, सब, इन सब को मिलाकर एक वर्ड अगर हम यूज़ करें तो वो वर्ड हो जाता है प्रिपेयर। प्रिपेयर तो कहेंगे माँ इज प्रिपेयरिंग फूड, माँ इज प्रिपेयरिंग फूड। और अगर वो लंच टाइम है, ये लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट क्या होता है इसकी भी एक दिन बात करेंगे। फिलहाल हम कोई काम अगर आप कर रहे हैं, सामने वाला कोई कर रहा है तो उसको बता देना है, और सामने वाले को किसी और के बारे में बताना है तो मैं वो सिस्टम आपको बता रहा हूँ। एक दिन हम इस पर भी बात कर लेंगे। बातें बहुत सारी हैं, क्लासेस अभी ख़त्म होने नहीं जा रही हैं, ये आगे सालों साल सिलसिला चलेगा अगर आप लोग चाहेंगे तो। खैर, तो माँ इज़ प्रिपेयरिंग लंच, इसकी जगह अगर ब्रेकफास्ट तो माँ इज़ प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट, और अगर शाम की बात है तो कह देंगे माँ इज़ प्रिपेयरिंग डिनर, माँ इज़ प्रिपेयरिंग डिनर। हो सकता है जब भाई ने पूछा उस वक्त माँ आराम कर रही हूँ, तो आपने कहा माँ इज़ टेकिंग रेस्ट। अचानक पापा के लिए पूछा और आपने देखा पापा अखबार पढ़ रहे हैं बैठे, तो आपने उसको बताया पापा इज़ रीडिंग न्यूज़पेपर। या आप गेट पर खड़े हैं, पापा के कोई दोस्त आते हैं और वो पूछते हैं कि पापा कहाँ हैं, तो आपने कहा पापा इज़ रीडिंग न्यूज़पेपर। या नहीं, आपके पापा तो वहाँ हैं और गाय के साथ हैं और आप देख रहे हैं शाम का वक्त है, दूध निकाल रहे हैं, तो आपने कहा कि पापा इज़ मिल्किंग द काउ, पापा इज़ मिल्किंग द काउ। ये ऐसे बहुत सारे एक्शंस जो मैं आपको बता चुका हूँ, ये एक हमारा मन की जो बात है वो मैं आपसे करना चाहूँगा। हमारे पास जो होता है हम उसमें सब्र कम करते हैं, उसको इन्जॉय कम करते हैं, और कुछ और बहुत कुछ पाने की जो ललक है वो हमें कई बार वर्तमान में जीने नहीं देती। हम प्रेजेंट को पूरा इन्जॉय नहीं करते। हम यूँ समझिए कि हमारे हाथ में लगा वो आम जिसे हम आधा अधूरा खा के फेंक देते हैं अगला आम पाने की चाहत में। तो मैं ये आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि फिलहाल आपके पास जितने वर्ड्स मैंने दिए, कुछ जो आपके पास हैं, कुछ जो और भी दूंगा, लेकिन उसको यहीं से शुरुआत कीजिए कि मैं ऐसा कर रहा हूँ। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया आपको, आज भी बता रहा हूँ, ये यहीं से शुरुआत इसलिए की गई क्योंकि आप अगर देखें दिन भर की दिनचर्या में डे टू डे लाइफ बोलते हैं इसे इंग्लिश में, डे टू डे लाइफ। इसमें अगर आप देखें तो आपको पूरे दिन में बहुत बार आपको ऐसा बताना पड़ता है क्योंकि बहुत सारे लोग आपसे पूछते हैं, कुछ फ़ोन करके पूछते हैं, कुछ आवाज़ लगाकर पूछते हैं। आप इतना देखिए कि आप घर की छत पर हैं, नीचे माँ की आवाज़ आती है, कहाँ हो, क्या कर रहे हो, आप कहते हो आ रहा हूँ यार अभी, आई एम जस्ट कमिंग। बाहर कोई कॉल बेल बजी, किसी ने दरवाज़ा खटखटाया, तो आप कहते हैं आ रहा हूँ, आई एम कमिंग। ये पूरे दिन में आ रहा हूँ, आ रहा हूँ कितनी बार कहते हैं। तो क्यों ना हम इस छोटी सी लाइन से शुरुआत करें, आई एम कमिंग, आई एम कमिंग। इन छोटी छोटी बातों से हम शुरुआत करेंगे तो वो छोटा छोटा कॉन्फिडेंस मिलके एक दिन बड़ा कॉन्फिडेंस हो जाएगा और हम बड़े कॉन्वर्सेशन के लिए तैयार होंगे। तब तक हमारी क्लासेस भी आगे बढ़ चुकी होंगी और आपकी प्रैक्टिस भी आगे बढ़ चुकी होगी। मेरी क्लासेस के अनुसार आपको भी उतना और उससे ज़्यादा ग्रो अप होना है ताकि आपकी डिमांड्स बढ़ सकें, राइट? सो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आज के जो दो फॉर्मूला मैंने आपको और एक्स्ट्रा दिए, और वो थे कौन कौन से, आई एम, और जो आप काम कर रहे हैं उसमें आईएनजी लगाना, ये हम लास्ट वीडियो में बात कर चुके थे। आज के वीडियो में है यू आर, और वो जो भी काम कर रहे हैं उसमें आईएनजी, और अगर आप उस सामने वाले व्यक्ति को किसी तीसरे के लिए कह रहे हैं तो कहते हैं ही या शी, माँ या पापा या भैया, व्हाटएवर, उनके साथ इज लगेगा और वो जो भी एक्टिविटी हो रही है उसमें आईएनजी लगेगा। ये बात मैं समझता हूँ आपको समझ में आई होगी। आज फिर से एक छोटा सा वीडियो रखते हैं, इसे धीरे धीरे करके इस वीडियो को बढ़ाएंगे। अभी यही 8 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट के वीडियोज़ रखेंगे, इसके बाद हम इसको आधा घंटा, एक घंटा और शायद उससे आगे लेकर जाएंगे और ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें करेंगे। लेकिन मैंने कहा बातें करेंगे, मैं बात कर रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, आपको सुनना अच्छा आ रहा है और मुझको बोलना अच्छा आ रहा है, लेकिन जब आप भी बोलेंगे तो आपको बोलना भी अच्छा आएगा और एक दिन हम फ़ोन पर बात करेंगे इंग्लिश में। मुझे बहुत अच्छा लगेगा जिन लोगों ने मेरे साथ कोर्स की शुरुआत करी है, ये आने वाले समय में, आने वाले 10 से 12 15 दिनों में मुझे फ़ोन करेंगे और मुझे बताएंगे सर आई एम जस्ट टॉकिंग टू यू एंड आई एम स्पीकिंग दिस एंड आई एम स्पीकिंग दैट। मैं आपको सुनूंगा और मुझे बहुत आनंद आएगा। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट प्रेसिंग दिस बेल आइकन एंड प्लीज़ सब्सक्राइब मी, प्लीज़ लाइक इट
एंड ऑलवेज वॉच माई कंप्लीट वीडियो. वीडियो को पूरा देखें, अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरा अगला वीडियो जब आए, जब भी आए, तो सबसे पहले आप तक पहुंचे. मैं कोशिश करूंगा कि इसके बीच में कोई अंतर नहीं आना चाहिए. हर दिन सुबह आपको एक वीडियो मिले, हर दिन नहीं तो उससे अगले दिन. आगे चल के आप मुझे बताएंगे, मैं आपको फेसबुक पे ऐड करूंगा, व्हाट्सएप में लूंगा और आपको प्रायर नोटिस, प्रायर इन्फॉर्मेशन आपको देता रहूंगा कि अगला वीडियो कब आ रहा है और किस चीज़ को लेकर आ रहा है. कोशिश करेंगे और ढेर सारी रोज़मर्रा के डायलॉग्स, रोज़मर्रा के सेंटेंस जो यूज़ में आने वाले हैं, रोज़मर्रा के बहुत सारे शब्द, ये हर दिन देने की कोशिश करेंगे. लेकिन मैं समझता हूँ इतनी सारी बातें करने के लिए एक अच्छा समय चाहिए और अभी मेरे साथ आपको देखते हुए मैं शॉर्ट टाइमिंग्स में बहुत कम समय लेकर वीडियो बना पा रहा हूँ. मेरे को आपसे इंटरेक्ट करने के लिए एक से डेढ़ घंटा चाहिए. मैं यहाँ लाइव क्लासेस भी देता हूँ, अपना ऑफलाइन क्लासेस, और जो इटावा या इटावा के आसपास के लोग हैं वो मुझे यहाँ मेरी क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हैं. और जो ऑनलाइन वाले हैं ये लोग प्लीज़ वीडियोस को देखें और बताएं मुझे कि वो क्या चाहते हैं और कितना लंबा वीडियो तक हम कब से शुरू कर दें. और जो जो मैंने उनसे करने के लिए कहा है और उम्मीद कर रहा हूँ करने की, वो प्लीज़ करते रहें क्योंकि मैंने बताया केवल सुनने से नहीं आएगा. चलिए अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग. डोंट फॉरगेट प्रेसिंग बेल आइकन, सब्सक्राइब मी, लाइक इट, शेयर इट प्लीज़. थैंक यू, बाय बाय.